हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फिर से पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मार्केट आपने देखा होगा, पहले दिन भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे गिरा और कल के सेशन में भी मार्केट फिर से वापस गिरा। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिर रहा है, 20,200 से सीधा गिरते गिरते 19,750 के आसपास आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही मैं हमेशा करता हूँ, निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ 159.05% नीचे चला गया निफ्टी, ठीक है, 0.80%। इससे पहले दिन भी जो है 1.15% नीचे गया था निफ्टी, तो यहाँ पे लगभग 2.5% की करेक्शन हो चुकी है। बात करते मेरी पोर्टफोलियो के तहत टोटल रिटर्न्स जो है 696.15 अभी करेंटली चल रहा है, 1.05% की गिरावट है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, और कल का जो गिरावट था वो 672 था, तो यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 23 रुपये ही डाउन गया। हालांकि जो इंडेक्स है वो बहुत नीचे चला गया, लेकिन पोर्टफोलियो उतना नीचे नहीं गया, ठीक है। एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं तो -23.95 देख सकते हो, 0.04% ही गिरा है, तो कुछ नहीं गिरा है, ठीक है बेसिकली, ठीक है। बात करते हैं एशियन पेंट्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पोजीशन बनाना था, मैंने बनाया और अब देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपये से ज़्यादा है। मैंने सोचा भाई गिरेगा, मेरे को मतलब मैं ये मान के चल रहा था कि नीचे तो जाएगा और यहाँ पे और खरीदेंगे, लेकिन नीचे नहीं गया, ऊपर ही चला गया भाई साहब। मेरे मतलब मैं करेक्ट लेवल पे एंट्री कर लिया मैंने इसमें, यहाँ पे देख सकते हो 317.25 का पॉजिटिव रिटर्न बन रहा है, 1.10% की तेजी है। पूरा मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन एशियन पेंट्स ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसके मैंने दो रीजन आपको बताया। एक तो दिवाली आए, तो दिवाली में पेंटिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है, क्योंकि लोग घर पेंट करते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे खासा खर्चा करते हैं, तो मतलब पेंटिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा करते थे। यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही पिक लिया था। बात करते हैं टोटल रिटर्न्स की, आप देख सकते हो वन डे रिटर्न 260, एक ही दिन में 250 रुपये भाग गया, 0.93% की तेजी है, तो डेफिनेटली बने रहे जिन्होंने अभी खरीदा हुआ है, मेरे हिसाब से वो बने रहे। वेदांता की बात करते हैं, यहाँ पे बड़ी गिरावट है, ठीक है, 4.43% के नेगेटिव रिटर्न से 472.50 का नेगेटिव रिटर्न से नीचे जा रहा है। अभी 227-228 के आसपास है, अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, 220 तक जाएगा, 220 तक जैसे जाएगा वहाँ पे और बाई करना है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और हाँ, एक फ्रेश पिक मैं आपको देने वाला हूँ, IRFC। जी हाँ, कैसे IRFC में मैंने आपको पहले ही बताया मेरे को 160-180% के रिटर्न्स मिले हैं, ये एक मल्टीबैगर साबित हुआ है, प्रॉफिट भी मैंने बुक कर लिए, अब यहाँ पे वापस एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे पता है OFS नहीं आया, ऑफर फॉर सेल आएगा, जैसे ही आएगा स्टॉक और भी 10-15% टूटेगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर आप उसके लिए तैयार हो, पहले एवरेजिंग आप कर सकते हो तभी इसमें एंट्री लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है और ज़्यादा कोई नहीं खरीदा है भाई, हर दिन 2 शेयर ही खरीद रहा हूँ, तो पहले दिन 2 शेयर खरीदे, अब देखते हो यहाँ पे वापस से 4 शेयर अभी मेरे पास करेंटली है, 310 रुपये वैल्यू अभी चल रहा है, 12.20% के 12.20 नेगेटिव है, लगभग 4% डाउन है, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट आपको साथ शेयर किया। बाकी जितने भी शेयर से जियो फाइनेंशियल सर्विस काफी नीचे चला गया, मैंने 237 पे बाई किया है, 235 के आसपास बाई किया, यहाँ पे 225 के आसपास आ चुका है और नीचे जाएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पे बने रहे, मुझे सबसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, किसी वीडियो से आपको मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हाँ, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रो ऐप का, डेफिनेटली जाइए डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, लाइफ टाइम AMC फ्री है, फ्री ओपनिंग चार्जेस है। और यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।